हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप फ्रेंड्स के सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वीडियो में आगे पता चलेगा आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इस तरीके की। देखिए, प्लास्टिक जो बोरी होती है उसका रीयूज, तो इसका बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो है दो रीयूज बताने वाली हूँ। तो देखिए, इसकी जगह आपको यहाँ पे गेहूं की बोरी या फिर राइस बोरी या फिर जो है आटा बोरी जो होती है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कोई सा भी प्लास्टिक बैग आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इस तरीके की देखिए, साड़ी का कपड़ा, दुपट्टे का कपड़ा या फिर जो भी आप कोई कुर्ती वगैरह कोई भी आप अपना बेकार घर में जो भी काम का नहीं है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी बोरी है वो थोड़ी सी ख़राब है, तो यहाँ से हम इसको कट करके जो है हटा देंगे। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया दो आइडिया देने वाली हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, जो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके घर में। तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और अपने घर में जो है आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बोरी को जो है दोनों साइड से कट करके हटा दिया जो भी वेस्ट पार्ट था। और अब हम इसको यहाँ से खोल लेंगे और एक पूरा पीस इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से खुल गया है। और अब हम इसमें से जितना हमें चाहिए उतना हम यहाँ पे इसको ले लेंगे कट करके। और सारी बोरी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। तो कितना चाहिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से 15 इंच के आसपास आप यहाँ पे रख सकते हैं इसका लेंथ बोरी का। तो इस तरीके से देखिए, एक पीस मैंने ले लिया है और इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्टफ़ है और एकदम अकड़ी अकड़ी सी, कड़ी कड़ी सी है। तो इसको हम फोल्ड कर रहे हैं तो इधर उधर फिसल रही थी, देखिए टेढ़ी टेढ़ी हो रही थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका 12 इंच जो है इसकी लेंथ हो रही थी, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। और पिनअप करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है सेट हो जाएगी अच्छे से और कटिंग करने में आसानी रहेगी। और अगर इस तरीके से हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो भी हम कटिंग करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। और अब हम इसको देखिए एक और फोल्ड ले लेंगे, और यहाँ पे चार फोल्ड में ये हमारी बोरी हो गई है। और यहाँ पे भी हम इसको पिन कर लेंगे ताकि यहाँ से भी जो है खिसके ना। इस तरीके से पिनअप करने के बाद हम यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे, जहाँ से फोल्ड साइड है वहाँ से हमें देखना है। तो ये आ रही है यहाँ पे देखिए 7.5, 7.5 इंच है। 7.5 इंच इस तरीके से रखते हुए चारों तरफ हम निशान लगा लेंगे घुमाते हुए। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पे देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो हमें यहाँ बेसिकली जो है एक सर्कल चाहिए, और सर्कल कट करा है मैंने यहाँ पे इस तरीके से। आप चाहो तो किसी भी जो है बर्तन से भी आप यहाँ पे इसको सर्कल को कट कर सकते हो। देखिए, सर्कल हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए कट हो गया है। और आप कोई प्लेट वगैरह या कोई और भी ढक्कन वगैरह किसी डिब्बे का, उसका भी यहाँ पे यूज़ करके आप इसको मार्किंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए कपड़ा ले रहे हैं, तो ये मेरी साड़ी का कपड़ा है। आप यहाँ पे कोई भी दुपट्टा या सूट या पर्दा या चादर कोई भी आप यहाँ पर कपड़ा ले सकते हैं। और दो फोल्ड में मैंने यहाँ पर रखा है इसको, और दो फोल्ड में रखने के बाद इसको हम यहाँ पे पिनअप कर देंगे ताकि जो भी ये खिसके ना। तो कपड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा सा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि राइस बोरी जो है फिसलती बहुत है सिलने टाइम में, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो देखिए, दो कपड़े मैंने यहाँ पे जो कट कर लिए हैं उनको सीधा करके रखना है, दोनों जो है हमारी सीधी साइड ऊपर ही होना चाहिए। और बीच में इस राइस बैग को रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसको पिनअप कर देंगे। तो राइस बैग की जगह आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, और बुकरम वगैरह का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं आप इसकी जगह पे। और आप देख सकते हैं, पिनअप करने के बाद हमने इसमें सिलाई लगा ली है, और हम पिन को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और यहाँ से जो भी इसका एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पर कट करके जो भी है कपड़ा उसको हटा देंगे। तो अभी देखिए, हमारा ये जो पीस एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने कर लिया था रेडी। और अब हम यहाँ पे एक जो है पट्टी ले रहे हैं 2 इंच की, और इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। देखिए, पहले एक साइड से रखना है इस तरीके से, पट्टी को सिल देना है दूसरी साइड में, फिर इसको पलट करके हमें इसको मोड़ देना है। तो अभी देखिए, ऊपर की साइड हमने यहाँ पर लगा ली है, और अब हम इसको पलटेंगे। उससे पहले यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि हमारी जो पट्टी है उसमें झोल ना आए, बहुत अच्छे से जो है पलट जाए। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको पलट लेंगे, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है हमारे यहाँ पे सर्कल रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इससे कुछ और बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पे इस तरीके से मैट भी बना सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ ही बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ एक बकेट बना रही हूँ। तो फिर से हम इसको यहाँ पे चार फोल्ड में रखेंगे, और जो भी इसकी फुल यहाँ पे लेंथ थी देखिए 7.5 थी, तो उसका आधा ले लेंगे और इस तरीके से फिर गुलाई में मार्किंग कर लेंगे। अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो कोई प्लेट छोटी आप इस तरीके से देखिए ले सकते हैं, और बीच में इसको रख करके ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है ये, देखिए
करना है इसको इस तरीके से। मार्किंग यहाँ पे देखिए कर लेंगे हम, और मार्किंग करने के बाद फिर हम देखिए इसको बीच से फोल्ड करेंगे, और जो भी यहाँ पे इसकी फोल्ड साइड है वहाँ पे हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। देखिए अच्छे से दबाते हुए खिसके ना इधर उधर। ये फिर से हम यहाँ पे दूसरी साइड से इसको फोल्ड करेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया उसके अपोजिट साइड से। तो हमें इसमें यही करते जाना है, जहाँ हमारा निशान लगते जा रहा है उसके अपोजिट साइड में हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 निशान यहाँ पे लगा लिए हैं, 4 पहले लगाए थे और चारों के बीच में से एक एक लगा लिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए निशान पूरे कर लिए हैं, और जो हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया था उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से देखिए। और फिर जो हमने यहाँ पे निशान लगाए थे मार्किंग करी थी वहाँ पे 1/2 इंच देखिए फोल्ड करते हुए इस तरीके से, और जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है वहाँ तक हमें इसको इस तरीके से देखिए यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो इसी तरीके से जो हमारे जितने भी निशान हमने लगाए हैं यहाँ पे टोटल हमारे 8 हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बीच बीच में एक और निशान भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने 1/2 इंच के गैप में इस तरीके से देखिए इसमें सिलाई लगा दी है दबाते हुए। तो बस निशानों को इसी तरीके से पकड़ना है और यहाँ से स्टार्ट करके और ऊपर की साइड में 1/2 इंच दबाते हुए देखिए इस तरीके से, और अच्छे से यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर बकेट बनके तैयार होती है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा काम की भी है। तो आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कितना प्यारा निकल के आया है, और इसमें हमने जो राइस बोरी लगाई है उसकी वजह से इसकी जो स्टफनेस है देखिए कितनी अच्छी है, एकदम अकड़ी अकड़ी कड़ी कड़ी सी बनी हुई है। तो इस तरीके से हम इसमें काफ़ी कुछ रख सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक कार्डबोर्ड को जो है कट करके बीच में लगा दिया है, ताकि जो भी इसकी स्टफनेस है वो बहुत अच्छे से और निकल के आए। और इसमें आप देखिए कोई भी सामान रख सकते हैं, किचन में, वॉशरूम में, या फिर जो है आप अपने मेकअप रूम में कहीं पे भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम की है, छोटी मोटी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे चाबी वगैरह, घर का कोई छोटा मोटा सामान, और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। सेकेंड आइडिया देख लेते हैं। सेकेंड आइडिया के लिए देखिए हाँ मैंने 15 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और यहाँ पे 25 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। और इस तरीके से देखिए एक राइस बैग का जो हमने पीस रेडी कर लिया है, इसी के मेजरमेंट का हम यहाँ पे कपड़ा भी ले लेंगे। तो ये जो कपड़ा है मैं लाइनिंग में यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए सेफ्टी पिन लगा के मैंने एक सिलाई लगा लिया है इस पर, इसको अटैच कर लिया राइस बैग के साथ में। और हम देखिए इसको उल्टे साइड पलट लेंगे, और यहाँ पे हम एक जो है कुर्ती का यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और इसको भी हम इसी के साइज़ का कट कर लेंगे, और इसको भी जो है इसके साइज़ का कट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ये देख सकते हैं। तो इसका पहला एक पीस था कुर्ती का, उसका मैंने बैग बनाया था, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसको भी मैंने देखिए यहाँ पे सिल लिया है इस तरीके से। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ पे कट करके हटा देंगे। तो एक्स्ट्रा मैंने इसमें जानबूझ कर रखा था, क्योंकि ये जो हम राइस बैग सिलते हैं तो इसका जो है इधर उधर होने का थोड़ा सा डर रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर रखते हैं। और अच्छे से देखिए इसकी साइडें कट कर ली हैं, एक पीस हमारे पास निकल के आ चुका है इस तरीके से। देखिए आप चाहो तो बीच बीच में भी इसमें सिलाइयाँ लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाई। और इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे ये 24.5 निकल के आ रहा है। तो जितना भी इसका मेजरमेंट आ रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे 3 भागों में इसको डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉकेट इसमें लगा रही हूँ। आप यहाँ पे और ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो उसमें जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 6-6 इंच का जो है यहाँ पे देखिए आ रहा था, और 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये मार्जिन में चला जाएगा। इस तरीके से 3 निशान मैंने लगा लिए हैं, तीनों को यहाँ पे अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद हम इसकी पॉकेट के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो जो भी कुर्ती में से बचा था उसमें से मैं यहाँ पे देखिए कट करके ले रही हूँ, और बाकी जो कपड़ा है वह बाजू में से भी इसका कट कर लूँगी और जॉइंट लगा के ले लूँगी। इस तरीके से देखिए जो बाजू में से इसका आगे से मोहरी बची है कट हुई थी, तो उसको मैं यहाँ पर इसके लूप के लिए यूज़ करूँगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पर फेंकूँगी नहीं, मैं इसको इस तरीके से रख लूँगी। तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच का मैंने राइस बैग भी यहाँ पे साथ में कट कर लिया है, 3, और 3 मैंने यहाँ पे कपड़े भी यहाँ पे देखिए कट कर लिए हैं। इस तरीके से कपड़े यहाँ पे मैं इसमें रख कर के अच्छे से इसमें सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ से। तो देख सकते हैं सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, और अब सिलाई लगाने के बाद जो भी इसका कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम यहाँ पर कट करके हटा देंगे। और कपड़ा कट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर लिया है मैंने, कोई भी आप कपड़े का बॉर्डर ले सकते हैं, लेस वगैरह भी लगाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उल्टे साइड में रखेंगे इस तरीके से, और फिर सीधे साइड पलट देंगे, और देखिए मोड़ते हुए तो अच्छे से देखिए इस तरीके से बॉर्डर बन जाएंगे। तीनों पीस को मैंने इसी तरीके से देखिए फिनिश कर लिया है पट्टी के साथ में। अब हम मेन पीस को यहाँ रखेंगे इस तरीके से,
और रखने के बाद यहाँ ऊपर से हम थोड़ा सा यहाँ देखिए नीचे रखेंगे, ताकि जब नीचे वाला हम रखें तो ओवरलैप हो जाए। ये जो हमारे मार्किंग है उससे थोड़ा खिसका के रखा है मैंने, तो जो नीचे वाली सिलाई है वो जो है ढक जाएगी। इस तरीके से रखेंगे तो दिखेगी भी नहीं बिल्कुल भी। तो अब हम इसको यहाँ पे पिन करके जो है सेट कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसकी सिलाई लगाएं तो ये इधर उधर खिसके भी ना, और अच्छे से हमारा जो है बन के निकल के आए। ये इस तरीके से सेट करते जाएंगे, देखिए। तो तीनों पीस को इस तरीके से सेट करके और हम इसकी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से हटाएंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने देखे तीनों पार्ट सिल लिए हैं, और सिलने के बाद यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। जो भी इसका सेंटर आए यहाँ पे, वहाँ से हम इस तरीके से ऊपर तक मार्किंग करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर यहाँ पे बीच में सिलाई लगानी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो में लगा ली है, ऊपर वाले को छोड़ दिया है इस तरीके से। तो नीचे चार पॉकेट जो है इसमें हो गई, और ऊपर में एक बड़ी सी पॉकेट हो गई। तो इस तरीके से हमारी ये पॉकेट तो रेडी हो गई। अब हम इसमें भी बॉर्डर लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने फिर से 2 इंच की पट्टी ली है, और इसको यहाँ पर रखेंगे उल्टी साइड से, और फिर सिल करके सीधी साइड में इसको पलट देंगे। चारों तरफ से हम इसको फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इसमें जो है अच्छे से सिलाई लगा ली है, और अभी मैं इसकी जो लास्ट बॉर्डर बचा है उसको भी इस तरीके से देखिए ओवरलैप करते हुए यहाँ पे सिल चुकी हूँ। तो अभी हमारा ये पीस देखिए पूरा जो है सिल के रेडी हो गया है। लेकिन अब हम इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 लूप लगाएंगे इस तरीके से। 4 इंच की यहाँ पे मैंने लंबी ली थी। तो यहाँ पे आप जो है इसमें लूप लगाने के बाद आप हैंगर के साथ में भी इसको टांग सकते हैं, कील में भी जो है टांग सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है अच्छा यूज़ है। आप इसको जो है मेकअप वगैरह का जो सामान रख सकते हैं, किचन में किचन के क्लोथ रख सकते हैं, वॉशरूम में भी आप अपना जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है आप बच्चों का क्राफ्ट का भी जो है सामान रख सकते हैं। तो आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।